हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. आज हम लोग यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं आपके कार्बन एंड इट्स कंपाउंड. तो यहाँ पे हम लोग हाइड्रोकार्बन देखने वाले थे, राइट? तो यहाँ पे आपके सामने हाइड्रोकार्बन है. हाइड्रोकार्बन है टू टाइप्स, है ना? दो भागों में हाइड्रोकार्बन को बांटा गया है. सबसे पहला भाग जो है इसको बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है? क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. और दूसरा भाग जो यहाँ पे है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. इन्हीं दो के बारे में देखेंगे. और इस वीडियो में हम लोग जो पहला सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उसके बारे में स्टडी करेंगे. फिर इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा उसमें हम लोग अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में देखेंगे. तो आइए हम लोग यहाँ देखते हैं कि सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है. सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है इसमें सिंगल बॉन्ड होता है. कैसा बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड होते हैं, ठीक है? मीन्स दो कार्बन एटम्स के बीच में जो होगा हमेशा कैसा बॉन्ड होगा? सिंगल बॉन्ड होगा. कुछ इस तरह से आपको स्ट्रक्चर देखने को यहाँ पे मिलेगा आपके सामने. इसको हम लोग अल्केन्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? अल्केन. अल्केन बोलते हैं, अल्केन. जैसे इसका अगर एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो मीथेन हो जाएगा, मीथेन, ठीक है? इथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ठीक है ना? तो अल्केन, ए एन ई, आपका जो है वो लास्ट में होना ही है. देखिए ए एन ई, ए एन ई यहाँ पे होगा ही होगा, ठीक है? तो ये चीजें हैं. अगर इसका बात करेंगे जनरल फार्मूला का, तो जनरल फार्मूला कुछ इस प्रकार से होता है, सी एन एच टू एन प्लस टू. कैसे होगा इसका कुछ कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे कि सी एन मतलब सी एन है, एन जो है नेचुरल नंबर यहाँ पे होगा. तो सी अगर वन लेंगे, ठीक है, सी वन लेते हैं, और हाइड्रोजन भी अगर यहाँ पे टू इंटू वन और प्लस टू लेते हैं, तो यहाँ से देखें तो इसके आपके सामने क्या आ जाएगा, सी एच और फोर हो जाएगा. यहाँ टू अंडर टू और टू, फोर हो जाएगा टोटल. तो इस तरह से हम लोग देखते हैं यहाँ पे. अब चलिए, ये था सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. और इसी में हल्का सा हम लोग अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में भी देखते हैं. तो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है? ये डबल या तो फिर ट्रिपल बॉन्ड हो गया यहाँ पे. डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा किस बीच में? कार्बन एटम्स के बीच में जो होगा यहाँ पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड होंगे, ठीक है? देखिए इसका कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा. डबल बॉन्ड यहाँ पे दिख रहा है और ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे दिख रहा है. और एक को बोलते हैं अल्कीन, अल्कीन बोलते हैं, ई एन ई, अल्कीन. और दूसरा जो होता है अल्काइन्स, वाई एन ई एस, अल्काइन्स. अल्कीन, अल्काइन, अल्कीन, अल्काइन, ठीक है? उसी तरह से अगर देखेंगे यहाँ पे तो अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, ठीक है ना? अल्केन, अल्केन, अल्कीन, अल्कीन, अल्काइन, ए एल के वाई एन ई एस, अल्काइन. अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, ठीक है ना? तो ये चीज होता है. अगर इसे नॉर्मल फॉर्मूला देखेंगे अल्कीन का, अल्कीन का फॉर्मूला सी एन एच टू एन होता है, ठीक है? सी एन एच टू एन, एच टू एन होगा यहाँ पे. अगर यहाँ पे बात करेंगे अल्काइन का तो इसका होता है सी एन एच टू एन माइनस टू होता है. तो इसको हम लोग देखना है, इसको आज के वीडियो में कवर होगा नहीं, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. यही पे हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखेंगे कि डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. तो यहाँ अगर हम लोग देखते हैं डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यहाँ कुछ इस तरीके से आपके सामने है ना, कुछ इस तरीके से. जैसे मान लीजिए कि C2H6 है. C2H6 मतलब दो ठो कार्बन है आपके सामने, और कार्बन के अराउंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? चार. और एक और कार्बन आप ले लेते हो तो इसके भी अराउंड में चार इलेक्ट्रॉन है. अगर यहाँ पे H6 है, मीन्स हाइड्रोजन, अगर एक यहाँ लेते हो आप, एक यहाँ ले लेते हैं, एक यहाँ ले लेते हैं आप हाइड्रोजन, एक यहाँ हाइड्रोजन हो गया, एक यहाँ हो गया हाइड्रोजन, और एक यहाँ हो गया. हर हाइड्रोजन के पास अपना एक एक इलेक्ट्रॉन है इसका आउटर मोस्ट शेल में, ये एक एक हो गया. तो कोई भी कार्बन चाहेगा कि मेरे पास आठ इलेक्ट्रॉन हो जाए, चार इसके पास ऑलरेडी था और चार अगल बगल वाला से ये क्या करेगा, ले लेगा, चार अगल बगल वाला से ले लेगा, एक चार ये क्या करेगा, अपने अगल बगल वाले से ले लेगा ये चार इलेक्ट्रॉन, है ना? तो चार इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये क्या किया, कार्बन बोला कि हमको अगल बगल वाला से चार इलेक्ट्रॉन ले लेना है. इसके पास कितना हो गया, आठ इलेक्ट्रॉन. ये भी कार्बन बोलेगा कि हमको भी चार इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये भी क्या करेगा, शेयर कर लेगा. चार इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, शेयर कर लेगा. ये चार इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया. हाइड्रोजन को भी चाहिए दो इलेक्ट्रॉन, कम से कम आठ नहीं होगा, कम से कम दो चाहिए. तो हाइड्रोजन भी दो इलेक्ट्रॉन इधर ले लेगा अपना, है ना? दो दो इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन क्या करेगा, अपना शेयर कर लेगा.
इलेक्ट्रॉन लिए, सारा जितना हाइड्रोजन दिख रहा है सारा अपना अपना क्या करेगा, दो दो इलेक्ट्रॉन अपना ले लेंगे। और इस तरह करके दो इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पे देखेंगे कि एक एक बॉन्ड चारों तरफ से बन गया, और इसका प्यारा सा नाम है आपका इथेन बोलते हैं इसको, ठीक है ना, इथेन। इथेन आपको कुछ याद है, MI मिशन इम्पॉसिबल में जो एक्टर होता है मेन एक्टर, उसका नाम इथेन रहता है ना, तो वही है इथेन है ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा क्या है ये, किस तरह से डॉट स्ट्रक्चर होते हैं, तो डॉट डॉट में से इलेक्ट्रॉन का जो दो इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड बना रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड, तो इस तरह से बनता है वही, ठीक है। चलिए इसी साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपके सामने आ रहा है कुछ कुछ केमिकल फार्मूला, इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला हमको लिखना है। मीथेन, मीथेन का केमिकल फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला जो बोलते हैं CH4 होता है, तो CH4 किस तरह से लिखेंगे, इथेन का जो होता है C2H6 होता है, प्रोपेन का जो होता है C3H8 होता है, बट लिखना है इसको कैसे लिखेंगे वो हम लोग को देखना है। तो अगर बात करें CH4, तो यहाँ पे कार्बन एक ही हम लोग को लेना है, और इसके आसपास में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, चार चार बॉन्ड बनाएगा, चारों तरफ से एक एक हाइड्रोजन आ जाएगा, तो ये बन गया CH4, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखेंगे इसको, इसका नाम है मीथेन, क्या नाम है इसका, मीथेन। अगर यहाँ पे मीथेन के बाद अगर बात करें C2H6 है, मतलब दो ठो कार्बन है, एक दो हाइड्रोजन चारों तरफ से कितना होगा, एक एक हाइड्रोजन हो जाएगा, तो एक एक हाइड्रोजन यहाँ चारों तरफ से अगर यहाँ पे डाल देते हैं, तो इसका हम लोग क्या नाम डाल देंगे, इसका नाम डालेंगे हम लोग इथेन, मीथेन है इसका नाम इथेन, इथेन, ठीक है ना। अब आते हैं आगे हम लोग C3H8 है, यहाँ पे तीन हम लोग को हाइड्रोजन डाल, तीन कार्बन डालना होगा, C3 है, C3 मीन्स एक दो तीन, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, तीन इधर और दो पांच और तीन इधर आठ हो जाएगा, सभी के पास क्या डालने का, इधर हाइड्रोजन, और ये क्या बना जाके आपके पास, इसका नाम है प्रोपेन, क्या नाम है इसका, प्रोपेन, प्रोपेन बोलेंगे इसको, ठीक है। अब यहीं पे आगे बढ़ते हैं तो C4H10, अब कार्बन जो है चार हो जाएगा, एक दो तीन चार, हर तरफ से आपके पास क्या होंगे, एक एक हाइड्रोजन हो जाएगा हर तरफ से, जब एक एक हाइड्रोजन होगा यहाँ पे, और इसका नाम जो है ब्यूटेन नाम होगा, प्रोपेन के बाद ब्यूटेन, प्रोपेन के बाद क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, BUTANE ब्यूटेन, ठीक है। अब बार जो नेक्स्ट है यहाँ पे C5 है, तो C5 है, इसका थोड़ा सा हम लोग को स्ट्रक्चर यहाँ बनाना होगा, C5 मीन्स पांच कार्बन है, एक दो तीन चार पांच, एक सभी के पास एक एक हाइड्रोजन है, सभी के पास एक एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे जितना दिख रहा है सभी के पास एक एक हाइड्रोजन, तो टोटल कितना हो गया, 12 हाइड्रोजन हो गया, है ना, कितना 12, पांच ऊपर पांच नीचे और दोनों साइड से, तो इसका नाम है पेंटेन, पेंटेन, ठीक है। तो ये जो हम लोग यहाँ पे देखे अभी सारा, ये क्या था आपके सामने, ये सभी क्या था, हम लोगों नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन, ये जितना भी देखे हैं ये सभी हाइड्रोकार्बन के नाम है, और यहाँ पे जितना आप देखे हैं ये है मॉलिक्यूलर फार्मूला, ऐसे को केमिकल फार्मूला बोलते हैं, और अगर यहाँ बात करें तो ये इसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रक्चरल फार्मूला, इधर साइड जितना भी अगर आप देखे हैं राइट हैंड साइड में, तो इधर क्या हो जाएगा आपका स्ट्रक्चरल फार्मूला, ठीक है। तो इसी के साथ जो आपका आज का जो हाइड्रोकार्बन था, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, कैसा, सैचुरेटेड, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये जो आज हम लोग खत्म कर दिए सैचुरेटेड, और जो नेक्स्ट वीडियो होगा कल, कल का मीन्स उसमें देखेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रो कार्बन, देखिए एक चीज नहीं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एक बॉन्ड होता है, ये थोड़ा कमजोर होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से, ठीक है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के मुकाबले इसका जो है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा क्या होता है, कम होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का, ठीक है। आपको क्या करना है, इस वीडियो को देखें आपको समझ में आएगा, वीडियो को लाइक करना है आपको, ठीक है, कॉमेंट करना है,
आप जो भी टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं तो उसको आप बताएंगे और शेयर जरूर करेंगे, है ना, शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं इसी साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।